बाउलोक टारगेरियंस को हमेशा उनकी औकात डॉन ने दिखाई थी कि तुम होगे गई के तोप होंगे तुम्हारे पास ड्रैगन्स, लेकिन तुम्हारी यहां नहीं चलने वाली, क्योंकि एगोन दी कॉन्करर ने जब सातों किंगडम को जीतना शुरू किया था तब एकमात्र डॉन था जहां उसे हार मिली थी और घुटने नहीं टेके, उल्टा एगोन को भारी कैजुअलिटी वहां पर झेलनी पड़ी, उसकी सेकेंड वाइफ रैनिस को एंड सेकेंड लार्जेस्ट ड्रैगन मेराक्सिस को खोना पड़ा। तब से डॉन को कॉन्कर करने की जो आग थी वहां ठंडी हुई और सिर्फ समझौता हुआ। लेकिन आफ्टर द डांस ऑफ द ड्रैगन्स टारगेरियन हिस्ट्री का एक मात्र बंदा जिसने असल गूदा था डेरन वन टारगेरियन उर्फ द यंग ड्रैगन, जिसने डॉन को मात्र 14 साल की उम्र में जीत लिया था, एकमात्र टारगेरियन जिसने डॉन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वलेरियन स्टील का कवच पहनता था यह बंदा। इसका जन्म 143 एसी में हुआ था और 161 एसी में ही मारा गया था, डॉन में ही। एगोन III टारगेरियन और डेनेरा टारगेरियन का बड़ा बेटा था, वही एगोन III जो डेमन और रेनिरा का छोटा बच्चा है, जिसे आपने हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 में देखा होगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, अपने जॉन स्नो का फेवरेट हीरो था ये बंदा डेरेन द यंग ड्रैगन। काफी कैरिज्मेटिक बंदा था एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त था और ड्रैगन्स की ताकत को जानता था। दिखने में नया कौला लौंडा था, बिल्कुल हैंडसम एंड विथ ग्रेट विजन। आफ्टर द डेथ ऑफ एगोन III टारगेरियन 14 साल की उम्र में ही डेरेन को किंग बना दिया गया था, जिसका राइट हैंड उसका अंकल विसेरिस टारगेरियन था और जिसे छोटा विसेरिस के रूप में आपने हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 में भी देखा होगा। सत्ता में आते ही सबसे पहले उसने वो मुहिम फिर से चलानी चाहिए जो उसका पर दादा यानी एगोन दी कॉन्करर एगोन वन टारगेरियन ने चलाई थी, सातों किंगडम को जीतने की मुहिम। लेकिन डॉन रह गया था उस समय और उसे डॉन को जीतना था जैसे तैसे, ताकि बाकी जो 6 राज्य की तरह डॉन भी उसके आगे घुटने टेके, ना कि कॉम्प्रोमाइजेशन में रहे। और कुछ एक बार अटैक कर करके इस बंदे ने डॉन को जीत लिया था। छोटी उम्र में अच्छी वॉरियर स्किल का अच्छा इस्तेमाल किया, बैटल ग्राउंड पर डॉन जैसे ताकतवर राज्य को धूल चटाई। विसेरिस जो इसका हैंड था उसने मना करने की कोशिश करी, क्योंकि इतिहास में एगोन इसकी भारी कीमत चुकाई थी। और इस बंदे ने सीधा कहा कि जो गलती और इस बराथियन ने करी थी वो हम नहीं करेंगे। 3 फॉर्म में आर्मी को डिजाइन करके डॉन की घेराबंदी करेंगे, जिसमें से एक आर्मी खुद ये कमांड कर रहा था, दूसरी आर्मी लॉयनल टायरेल यही नाम है वो बंदा कमांड कर रहा था, एंड तीसरी आर्मी जो नेवल आर्मी थी नेवी आर्मी वो एलिन वलारियन कमांड कर रहा था, और भारी तबाही मचाकर डॉन को घुटने टेकने पर इन लोगों ने मजबूर कर ही दिया। लेकिन उसने डॉन को भले जीत लिया था, पर डॉन के लोग इसकी गुलामी स्वीकार करने के मूड में थे ही नहीं, मंजूर थे ही नहीं। रेबेलियंस का बार बार अटैक इसके ऊपर होता रहता था, जिसमें से एक बार पॉइजन एरो जो डेरन को ही मारने के लिए दागा गया था वो इसके कजिन एमन टारगेरियन ने अपनी छाती में कर बचा लिया था। लेकिन कब तक बचा था, क्योंकि डॉर्निस पीपल हार मानने को तैयार नहीं थे। अगेन जब रेबेलियंस ने अटैक किया तो इस बार डेरेन को बचाने के लिए उसके किंग्स गार्ड काफी कम पड़ गए और डजंस ऑफ एनिमीज ने उसे डॉन में ही, जब वो 18 साल की उम्र का था छोटा बच्चा, उसकी ब्लैक फायर शॉट के साथ ही उसे मार डाला घेराबंदी करके, और यंग किंग का सब वापस किंग्स लैंडिंग को भेज दिया गया। उसके बाद डेरेन का भाई बेलर वन टारगेरियन ने सत्ता संभाली और फिर से डॉन के साथ समझौता हुआ हाउस टारगेरियन का। लेकिन कम उम्र में एकमात्र यही बंदा था जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे करे थे, यानी डॉन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो अब यंग ड्रैगन डेरेन द यंग ड्रैगन के बारे में और किस किस को पता था, बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे बना सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।